जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। तो दोस्तों खबर आ रही है कि अब 62 की उम्र में रिटायर होंगे संस्कृत शिक्षक। दरभंगा संस्कृत उपशास्त्री कॉलेज कर्मियों की बड़ी जीत, जानिए पूरा मामला। ये मामला उनका तो है ही, जो रिटायर हुए हैं शिक्षक, संस्कृत शिक्षक दरभंगा दे सकते हैं संस्कृत उपशास्त्री कॉलेज कर्मियों की बड़ी जीत हुई है। लेकिन मैं बता दूं आपको, साथ ही साथ सामान्य शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से संबंध उपशास्त्री कॉलेजों के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है। अब सेवानिवृत्ति की उम्र 31 मार्च 2006 से ही 62 वर्ष मान लिया जाएगा। इस आशय का 2-2 संकल्प भी संयुक्त सचिव ने बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए पारित किया है। बड़ी अपडेट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है और कहा गया है कि अन्य शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो पटना हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई चली है, शिक्षकों को मिली बड़ी जीत। यहाँ के बच्चों की परीक्षा भी कामेश्वर सिंदरबंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ही संचालित होती है, इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय के अन्य कर्मियों की तरह ही यहाँ के कर्मी भी माने जाएंगे। यानी देख सकते हैं, नए सरकारी संकल्प के अनुसार उपशास्त्री कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मी भी अब विश्वविद्यालय कैडर के हो गए। यहाँ के उपशास्त्री कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षणेतर दोनों मामलों में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय कर्मी के रूप में देख सकते हैं उनका दावा मानते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अन्य शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति की आयु देख सकते हैं 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष करने की बात जो है वो रखी गई है। यहाँ पे आयु सीमा के लिए वर्षों से कोर्ट में चला है मामला, तो बहुत अच्छी खबर आ रही है। दूसरी ओर देखिए, बीएड अपेयरिंग छात्रों को शिक्षक बनने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के बीएड अपेयरिंग छात्रों के शिक्षक बनने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा छात्रा ना तो इस बार शिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे, ना ही अगली वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे। देख सकते हैं, तो बड़ी अपडेट आ रही है, CTET में मौका पर STT में नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि बीएड अपेयरिंग जो छात्र हैं उनके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बाले में पाता नहीं, STT से बाहर होने के कारण आगे भी छूट जाएंगे। तो देख सकते हैं बीएड वालों को बड़ा झटका लगा है। दूसरी ओर खबर आ रही है कि 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभी अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच होनी बाकी है। अभ्यर्थी को परीक्षा में 3 बार ही मौका मिलेगा। शिक्षक अभ्यर्थी नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के होते हैं और OMR सीट में उत्तर दर्ज नहीं करते हैं तो भी अवधि की गणना की जाएगी। तो देख सकते हैं, ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।